क्या एसएससी के थ्रू से एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन को लेकर कुछ ऑफिशियली नोटिस को जारी किया गया या नहीं किया गया अभी तक, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आखिर जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में जिक्र करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक्स हमारा यह कहता है एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2020, आखिर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन कब होगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों के मन में यह क्वेश्चन उठ रहे होंगे। दूसरे क्वेश्चन, क्या लॉकडाउन ओपन के बाद तुरंत ही एग्जामिनेशन हो जाएगी। आखिर परीक्षा की नई तिथि क्या होगी। तो इन सारे बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आपके पास चर्चा करने वाले, और काफ़ी लोग जो इस वीडियो को इंतजार कर रहे थे काफ़ी बेसब्री से, तो अब उन सभी दोस्तों का इंतजार की घड़ियाँ हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले पूरा का पूरा हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी सी हर एक बातों की जानकारी। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल जो है कोरोना वायरस के कारण जो है सारा का सारा एग्जामिनेशन जो है रद्द कर दिए गए थे। यह जो इम्पोर्टेंट नोटिस आप सभी बहुत ही पहले देख चुके होंगे, यहाँ से हम एक बार ओवरव्यू करके यहाँ पर दिखा देते ताकि आपको बेहतरीन तरह से समझे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कोविड जो है 19 के डिसाइड कमीशन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट टू पोस्टपोन ऑन गोइंग कम्बाइंड हायर सेकेंडरी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सीएसएसएल के एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर कैंसिल कर दी गई थी 20 तारीख से। जितने भी परीक्षाएं थे 20 से आगे तक, जितने भी परीक्षाएं थे चाहे वो कोई भी हो, तो सारे के सारे परीक्षाएं जो है सीएचएसएल जो है एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो जूनियर इंजीनियर का जो परीक्षा था वो भी परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड कर दिए गए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल अब ये उठते हैं कि आखिर नई तिथि जो हम लोग को जो है क्या होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात जो है आप सभी के पास चर्चा करने वाले। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के पास एक नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सवाल का जवाब। तो आज का सवाल जो है आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज का सवाल है कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा, अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, उसी के विषय में आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके जो सीएचएसएल एग्जामिनेशन पहली दफ़ा क्रैक करना चाहते हैं वे सारे कैंडिडेट जरूर आप इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यूएसए सबसे ज़्यादा प्रभावित है, चाइना प्रभावित है, इटली प्रभावित है या इंडिया प्रभावित है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि लोगों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है कौन से कंट्री में अभी प्रेजेंट में है, ये जवाब जो है कमेंट बॉक्स पर आप सभी जरूर से जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए अब नोटिस की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आप सभी का परीक्षा जो है कब तक यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बात कहने के लिए बता दें कि जो है सरकार की ओर से एक नोटिस आया है कि स्कूल कॉलेज जो है 15 जून तक कंप्लीट रूप से बंद रहेंगे, यानी कि 15 जून तक जो है चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो कंप्लीट रूप से बंद रहेंगे। यानी कि इस बात से यह पुष्टि हो जा रही है कि आप सभी का जो परीक्षा है, यानी कि कह सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल की जो एग्जामिनेशन है वो आपका जुलाई या अगस्त में आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर मई के बाद जून के बाद जुलाई, क्योंकि 15 जून तक यहाँ पर कंप्लीट रूप से जो है सरकार जो है बंद करने की घोषणा जो है की गई। इस आंकड़ा को देखते हुए यह अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि 15 जून से पहले तो परीक्षा तो नहीं होंगी, क्योंकि स्कूल और कॉलेज जो है कंप्लीट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि कंप्लीट रूप से बंद रखा गया। तो वैसे में सिर्फ उसके अगले महीना ही जो है किए जाते, क्योंकि अगर 15 जून तक अगर क्लोज रखते हैं तो ऐसा नहीं कि 16 जून से आपका जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए 15 से 20 दिन आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा समय मिलेंगे। अगर कोरोना वायरस अगर सिचुएशन अगर अच्छा रहा तो ही यह जो है यह हट पाएंगे, अदरवाइज जुलाई अगस्त सितंबर तक भी आपका परीक्षा का जो तिथि है वो जा सकते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के सिचुएशन के हिसाब से जिससे बताया गया कि 15 जून तक क्लोज रहेंगे, उसके हिसाब से आंकड़ा लगाया जा सकते हैं कि आप सभी का जो परीक्षा है वो जुलाई से अगस्त के बीच में होने की जो है संभावना है। यह आप समय ही तय करेंगे कि जुलाई या अगस्त में परीक्षा होंगे या सितंबर या अक्टूबर में। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशखबरी जो है यह बात का है दोस्तों कि उन दोस्तों को बहुत ज़्यादा अच्छे है
जिनका तैयारी बिल्कुल भी नहीं था और उन सभी के पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय है, क्योंकि समय यह है समय, क्योंकि आप सभी को पता है कि घर से कहीं पर निकलना है नहीं। तो आराम से क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, किताब लीजिए, बुक आपके पास है ये, आराम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिपीट करिए। अभी आपके लिए सोचिए एक गॉड गिफ्ट दिया गया है आप सभी को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, आपको जो है और अच्छे से तैयारी करने के लिए दोस्तों। इसीलिए बाजार में जाकर, मार्केट में जाकर, यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है कि आप अपने घर पर रहें, स्टे होम और सेफ भी रहें, और अपना पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों का तैयारी हो चुके हैं वे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को देकर तैयारी कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेटों का तैयारी नहीं थे वे अब अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो है पहली दफ़ा जो परीक्षा आपका निकल ही जाएंगे। क्योंकि परीक्षा चाहे अगस्त में हो चाहे सेप्टेम्बर में, परीक्षा तो होंगे ही, इस बात को आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रॉफिट वाली बात है कि आपको थोड़ी सी 2 महीना 3 महीना और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहे, जिसको तैयारी को आपको समय को व्यर्थ नहीं कमाना होगा, गवाना नहीं होगा, फालतू के समय को यहाँ वहाँ बिता कर जो है मोबाइल्स में देख कर जो है अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए अपने स्टडी पर फोकस करने के लिए, अपने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए। ये सोचिए कि एक गॉड गिफ्ट आपको दिया गया है, समय आपको आपको दुरुपयोग ना करें, सही से समय का प्रयोग करें कि कहाँ पर हमको किस समय पर किस टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका परीक्षा जुलाई अगस्त में होने की संभावना है, अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो। अगर सिचुएशन अगर ख़राब रहा तो यह तिथि आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी अपने अपने तैयारी में जरूर से जरूर बने रहिएगा, और आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर रखते। आपको यह वीडियो कैसी लगे दोस्तों नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जाते जाते आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आज का जो सवाल हमने पूछा उस सवाल का जवाब आप जरूर बताइएगा कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, इसका जवाब जरूर से जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कोई एक नई इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए और इंटरेस्टेड टॉपिक्स के साथ।